भाई हाथ ना बना ना बना रो है ना भाई जी बच्चा तुम की साइड धर्म खवा ले अभी कहा कह कर हम के नु से बोल डालना है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश के जिला मेवात के गांव रेवासन तथा नवागढ़ की ओर, जहां से एक ऐसी डरावने दिल दहलाने वाली घटना प्रकाश में आई थी जो आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी है। रेवासन गांव के मियां समाज का एक लड़का अक्रम तथा उनकी बीवी अपने खेतों पर घूमने की नियत से गए थे। वहीं पर एक पहाड़ी भी मौजूद है जहां पहले से घात लगाकर बैठे चार शातिर बदमाश, जिन्होंने लड़का और लड़की को अकेले देखकर उन पर धावा बोल दिया और अक्रम को पहाड़ के दाएं तरफ ले गए, तो वहीं अक्रम की बीवी को धक्का मारकर जबरदस्ती पहाड़ की चोटी पर ले गए। ला इलाज बीमारी कर चुटकियों में इलाज हो जाता है, तो मिलिए साहब देसी डॉक्टर असरुद्दीन से। यहाँ पाचन क्रिया, चर्म रोग, सेक्स रोगी, गुप्त रोगी, नक्सेरी, मुंह से खून आना, बवासीर तथा औरतों में सफेद व लाल पानी का झड़ना, टीबी, कैंसर जैसी घातक बीमारी का यहाँ इलाज कर दिया जाता है। फिर किस बात की, मिलिए साहब देसी डॉक्टर असरुद्दीन से। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। जहाँ एक तरफ चीख चीख कर अक्रम उस महिला को अपनी बीवी बता रहा था, वहीं दूसरी ओर हाथ जोड़कर अक्रम की बीवी उन दरिंदों से इज्जत बचाने के लिए विनती कर रही थी। चीख चीख कर बता रही थी कि अक्रम मेरा पति है, 5 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है, हम कोई गलत इंसान नहीं है, मगर उन चार शातिर बदमाशों पर जीना खोरी का भूत इस कदर सवार था कि उन्होंने लड़का लड़की की हर बात को सुनकर इग्नोर करते रहे और अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देते रहे। लड़की को अक्रम से करीब आधे घंटे तक दूर रखा गया और अक्रम को पीटते रहे। अक्रम चिल्लाता रहा मगर वह दरिंदे नहीं माने। इतना ही नहीं, दिल दहलाने वाली बात यह है कि एक शख्स उनमें से लगातार वीडियो शूट कर रहा था। घंटों बीत जाने के बाद उनकी चीखें सुनकर जब आस पड़ोस के लोग भागे, तब ब्राह्मणों की मदद से अक्रम और उसकी बीवी की जान बच पाई। मगर सलाम है रोज का मेव थाना प्रभारी को और मेवात पुलिस को, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर दो मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर मेवात आज तक की टीम ने भी अपना अहम रोल अदा किया है। समाज के लिए अपनी सच्ची पत्रकारिता का अर्शद बिसरू ने ऐसी सच्ची घटनाओं को उठाकर सबूत दिया है। चैनल के माध्यम से आज 36 बिरादरी तथा जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े इंतजाम किए जाएं और ऐसे मनचले बदमाशों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। केंद्र की मोदी सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रही है, मगर 2014 से लेकर आज तक बेटियों के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार के वो दावे फेल हो रहे हैं। चलते चलते मेवात के तमाम उलेमा हजरत, नेतागण, समाज सेवक, बुद्धिजीवी, वकील, साहिबान तथा आम नौजवानों से हमारी अपील है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कोर कमेटी का गठन किया जाए ताकि ऐसे मनचले लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। मनचलो सुधर जाओ, दूसरों की बहन बेटी को खुद की बहन बेटी समझना समाज की बुराई खुद पे खुद खत्म हो जाएगी, अन्यथा किसी की बहन बेटी पर हाथ डालोगे तो आपका भी अंजाम यही होगा। फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसी ही एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता है। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्शद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।